तो अभी अभी हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले अपने होटल होटल हमारा यहाँ 700-800 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है। तो अभी हम लोग या तो पैदल जाएंगे या तो रिक्शा कर लेंगे, चले देखते हैं, जो भी कर लेते हैं। पैदल चले जाएंगे, चले जो भी होगा देखते हैं और चलते हैं। आप लोगों को अपना होटल दिखाते हैं बनारस का, बनारस हम क्या क्या करते हैं दिखाने वाले हैं ब्लॉग। इसी तरह से भगवान वेलकम बैक MLI। तो हम लोग ये बैटरी वाला रिक्शा कर लिया है, 5 मिनट लगेगा, हम 5 मिनट वहाँ पहुँच जाएंगे। पैदल भी जा सकते थे लेकिन सोचे रिक्शा कर लेते हैं, तो पापा ही लोग थे तो पैदल चले कर सकते हैं। 500 मीटर भी पैदल चलना थकान वाली होती है। और देखिए स्टेशन के बाहर निकलते ही खतरनाक वाला जाम। रूम चेक इन रूम मिल चुका है, हम लोग अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर पर रूम है। यही रूम पिछले बार भी मिला था क्या? नहीं, ये इधर रंजीत लोग का रूम था, पापा लोग का रूम था। अच्छा एक रूम ये है, किसी एक में एक्स्ट्रा बेड लगा दी, पापा ये लोग जिस रूम में रहेंगे। तो ये है हमारा रूम, दो रूम है हमारे पास। तो एक ये रूम है, रूम तो साफ सुथरा ही दिख रहा है, थोड़ा सा बेड वेड पे थोड़ा सा दाग वाग दिख रहा है। ये एक्चुअली बेड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये है बाथरूम, उस रूम को दिखाते हैं चलो। तो ये एक रूम है, चलिए अपने रूम में चलते हैं फिर उस रूम को भी दिखाते हैं। दोनों रूम सेम है, उस रूम को चल के दिखाते हैं। उनको दिखाइए, ये हमारा एक दूसरा रूम है, सेम है, रूम की क्लीनिंग ठीक है, आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते हैं, मतलब अच्छा है, हाँ स्टे किया जा सकता है। प्राइस भी ठीक है, बजट में है, मतलब आपको 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। और ये बाथरूम भी क्लीन है, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से वही रोड दिख रहा है। तो ये होटल का बेड है, मतलब 3 से 5 हज़ार के बीच में आपको रूम मिल सकता है, अलग अलग वेबसाइट पे डायरेक्ट भी आप डील कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी आप बात कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या सीजन चल रहा है, क्या होटल के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको बजट लग्जरी होटल मानता हूँ, क्योंकि लग्जरी वाला थोड़ा फील भी आता है, होटल भी अच्छा है, पार्किंग वार्किंग का प्रॉपर स्पेस, मैं बाहर भी चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। और थोड़ा सा मतलब ठीक है, रूम का साइज भी ठीक है, ऐसा नहीं कंजेस्टेड है, छोटा है। थोड़ा सा ये है कि जो मतलब जो बड़े 5 स्टार होटल में जो गंद क्लीनिंग बहुत जबरदस्त होती है, उस तरह की क्लीनिंग नहीं है, बट अच्छा है, साफ सुथरा है। इधर वर्किंग डेस्क भी दिया है, जनरली 3 स्टार कैटेगरी होटल है, तो 3 स्टार कैटेगरी में वर्किंग डेस्क नहीं मिलता है, यहाँ पे मिला हुआ है। बेड भी अच्छा है, साइज है, हाँ जैसे दाग वो खोज रहा है बेड में, स्पेसियस नो डाउट है, क्लीन अच्छा लग रहा है, थोड़े बहुत दाग धब्बे जैसे ये चमकता हुआ बेडशीट होता है वो चमकता हुआ नहीं, लेकिन साफ है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ प्राइस के हिसाब से ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, हाँ सारी फैसिलिटी मिली है ठीक, ओवरऑल बढ़िया। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो आपको रिसेप्शन का भी पार्ट दिखाते हुए चलिए। यहाँ पे पानी की 2 बोतल दी हुई, छोटे छोटे 2 बोतल हैं, वैसे और भी ले सकते हैं, ये टिकट दिया हुआ है तो बढ़िया है। हाँ पानी की बोतल तो कम्प्लीमेंट्री रहता ही रहता है। और इधर देखिए इसमें क्या क्या है, अंधेरा सा दिख रहा है, थोड़ा तो बड़ा सा अलमीरा है, इतना हम लोग रख सकते हैं, लेकिन अंधेरा सा दिख रहा है तो कुछ तो और खोले, ठीक है चलो ठीक है। टीवी भी चल ही रहा है। तो हम लोग फ्रेश व्रेश होकर फिर थोड़ा मार्केट में जा रहे हैं, दशमेश घाट जाएंगे, वहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट वार्केट घूम के चले आएंगे। तो लिफ्ट ये पुराने जमाने का लिफ्ट लगा हुआ लगता है, बहुत पुराना होटल है तो वैसे बहुत तेज आ गया। बज रहा है पुराने जमाने का भी लिफ्ट बज रहा है, इसको बंद करो। लो जी आ गए हम लोग रिसेप्शन पे, उसको उसको लगा दो,
पुराने पहले का लिफ्ट है ना, तो उसको बंद करना पड़ता, नहीं तो फिर ऊपर जाएगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं होटल के सामने का, यहाँ से हम लोग एंटर किए, यहाँ से गेट एंट्री है, ये रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और तकरीबन 700-800 मीटर है, मतलब अगर वॉक का है तो 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। और प्रॉपर पार्किंग स्पेस बढ़िया दिया हुआ है, पार्किंग स्पेस पूरा बढ़िया है, होटल का होटल ही बढ़िया है। और उधर मारुति का शोरूम है, वो मारुति का शोरूम है वो। तो ये हम लोग अभी इधर से निकलेंगे और हम लोग अभी जाएंगे दस तस्वीर घाट। चलिए चलते हैं वहाँ घूम के आते हैं, फिर डिनर भी करेंगे हम लोग, होटल में करेंगे या बाहर करेंगे वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। और कल सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा कम्प्लीमेंट्री है तो वो भी दिखाएंगे हम लोग, तो बने रहिएगा वीडियो में कल सुबह के ब्रेकफास्ट पर। ये देखिए ये मारुति का शोरूम है, ये आंध्रा पुल है, इधर से कैंट की तरफ जाते हैं और पीछे हमारे रेलवे स्टेशन है। ये हमारा कमरा भी इसी, वो लाइट जल रहा हुआ हमारा कमरा है। ये वाला दूसरा तीसरा नंबर पर है ना ये वाला कमरा, ये पापा जी लोग वाला। और ये टमाटर चाट वाले फेमस काशी चाट भंडार, भीड़ देखिए, ये चाट खा नहीं लेकिन हम नहीं खा रहे। ये सामने स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ से आप आरती देख सकते हैं, गंगा आरती। तो ये है गुदवलिया मार्केट, होलसेल साड़ी वाड़ी सब कुछ यहाँ पे मिलता है, जिनको भी शॉपिंग करना है कर सकते हैं। सामने हम घाट पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अब हम घाट पे जाके चलेंगे, वहाँ अंधेरा होगा, कुछ देखने को खास नहीं होगा क्योंकि अभी आरती हो चुका होगा, हम पहुँचे हैं लेट से। तो हम लोग आ गए वापस होटल रूम में, मार्केट में घूम ली, माने बहुत सारी शॉपिंग की मार्केट में। ये देखिए झोला भरा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ बनारसी साड़ी है, इधर 5-6 झोले हैं। तो अब यहाँ पे खरीदे साड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग डिनर करेंगे, डिनर यही बनाते हैं, चलो बैठते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बेड की हालत देखिए, वैसे बेड की हालत ये रात में हो चुकी थी, अभी सुबह हो चुकी है। सुबह हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, सुबह 5 बजे हम लोग दर्शन करने के गए, 2 घंटे की लाइन के बाद हम लोग दर्शन करके अभी 7:30 बजे यहाँ होटल वापस पहुंच गए। होटल में ब्रेकफास्ट हमारा पैकेज में इंक्लूड है, तो हम लोग अभी चलेंगे आप लोगों को होटल का ब्रेकफास्ट दिखाएंगे, क्योंकि वो दर्शन करना दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। लेकिन आप अगर आप सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास लाइन में आते हैं, 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाता है, लाइन आराम से जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। जितना अर्ली मॉर्निंग जाएंगे अभी थोड़ा, जितना अर्ली मॉर्निंग जाएंगे उतना अच्छा होगा, तो बाकी लेट जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो सुबह सुबह जाइए, VIP लीजिएगा, थोड़ा आपका 1-1.5 घंटा बच सकता है। तो हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं इस होटल का। हम लोग नाश्ता की तलाश में फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, वे टू रेस्टोरेंट यहाँ पे। और ये रेस्टोरेंट है मुगल महल, चले मुगल का रेस्टोरेंट है, बट ठीक है, बढ़िया है, माहौल अच्छा है। ब्रेकफास्ट वगैरह में कचौड़ी, बताइए क्या क्या है ब्रेकफास्ट में, देखिए ब्रेकफास्ट एक्सपर्ट है। यहाँ पे पूरी है, पराठा है, सेवई है, आलू की सब्जी, चटनी है दो तरह का, ये है उपमा, बड़ा सांबर होगा, सांबर फ्रूट, चना मसाला है, स्प्राउट्स है, इधर टी है, कॉफी है, केलॉग्स है, बनाना ब्रेड बटर भी है, ब्रेड बटर। चलो फिर शुरू करते हैं, हम लोग। ये मैंने एक पूरी भाजी ले लिया है, पापा ये लोग सब अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, और ये अभी तक सर्व भी कर रही है, अभी तक टेबल पर बैठी नहीं है। और सब लोग हम लोग ब्रेकफास्ट अभी करते हैं फटाफट से फिनिश। था ब्रेकफास्ट ये तो अभी तक खा ही नहीं रूम में। एक्चुअली वैरायटी लिमिटेड था, लेकिन टेस्ट अच्छा था, खाना हमें अच्छा लगा ओवरऑल, और रूम भी ओवरऑल ठीक है, रूम का साइज बड़ा, थोड़ा बाथरूम में थोड़ा सा ऊपर नीचे से फ्लश थोड़ा तेज नहीं चलता है, तो वो सब चीज़ वो टेम्परेरी चीज़ें ठीक हो जाया करती है, और हर रूम का अलग अलग होता है थी। ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, और इसको मैं बजट लग्जरी बार बार इसलिए मैं होटल को बोलता हूँ कि मैं जो है जो 7,000-8,000-10,000 के होटल कमरे होते हैं 4-5 स्टार, उसमें क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, पैसा हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये 3 से 5 हज़ार के बीच में डिपेंड करता है सीजन क्या है।
उसकी मिल जाता है। तो ये बजट में भी हो जाता है और थोड़ा लग्जरी वाला फीलिंग देता है, नहीं तो फिर सस्ते आप चले जाइए तो बस छोटे छोटे कमरे होते हैं तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं इसे बजट लग्जरी होटल बोलता हूँ, ऐसे होटलों को जहाँ हम लोग स्टे करते हैं जनरली। तो इस ब्लॉग में पैन रूम छोटा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है, रूम बड़ा है और सब चीज़ फिर अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।